हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशु और स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। सो मैंने पिछले टाइम गणेशा का व्लॉग डाला था, वो था पार्ट वन, और ये है पार्ट टू। क्योंकि तीन दिन का प्रोग्राम था तो तीनों व्लॉग मैंने अलग अलग बनाए थे, तो आज के दिन जो हो रही थी वो पूरी की पूरी फंक्शन थी, जहाँ पे कि डांस, गाना और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। और ये हमारी सोसाइटी में लगा हुआ था स्टॉल, खाने पीने की सारी चीज़ें थी। तो जहाँ पर कि मिल रहा था पानी पूरी, चाट और गोल गप्पे, और ये आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं ना, ये ट्विस्टेड पोटैटो और गोला, और भी कुछ कुछ चीज़ें और भी थी, बट हमने कुछ खाया नहीं। मैंने बस थोड़ा चाट खाया, बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। और ये सारे फंक्शन हो रहे थे, ये रेट्रो डांस हुआ, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें करी, पार्टिसिपेट किया था। बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, सब 2-3 साल वाले भी थे। और उसके बाद ये बड़े लोगों की परफॉर्मेंस थी, जो और भी सीनियर सिटीजन्स थे उनकी परफॉर्मेंस थी। तो आज का जो फंक्शन था वो बहुत ही अच्छा रहा। ये पहले सारी चीज़ें हुई, फिर ये रेट्रो थीम वाली डांस हुई। ये जो थी ये रेट्रो फैशन शो था। जो लोग भी रेट्रो के लुक में आए थे वो उन्हें बोला गया फैशन शो के लिए। तो ये लोग सारे जो भी लोग थे वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करें। हम लोग इधर ही बैठ कर बस देख रहे थे। उस दिन भीड़ भी काफ़ी थी, हम लोग आगे बैठे हुए थे, और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग उठ के चले गए कुछ कुछ खाने के लिए। और वहाँ पर जो थे वो बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वूले भी एक दो लगे हुए थे, ट्रैम्पोलिन थी और भी कुछ कुछ, वो ट्रेन थी, मानिया ट्रेन में भी बैठी ट्रैम्पोलिन, तो जहाँ भी वो देखती है वो उसको जाना ही है वहाँ पर, वहाँ भी गए हम लोग। ये बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे भी थे फैशन शो में। और ये देखिए, ये था आज का प्रोग्राम। ये अंकल भाई मस्त थे, ये तो बहुत अच्छे से हुआ, सबने बहुत एंजॉय किया। सेकेंड डे ये था, और थर्ड डे पार्ट थ्री भी आएगा इसके बाद, जो कि होगा वह सर्जन वाला वीडियो। तो मैंने सोचा कि अगर एक साथ डालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि वहाँ पर जो थे उस दिन म्यूजिशियन, एक बैंड भी थी जो कि हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं भैया, उन्होंने गाना वाना गाया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो कॉलेज वाले डेज के गाने थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। मैं तो पूरे टाइम वहीं पे बैठी रही। रात को 11 बजे तक फंक्शन चला था, मैं वहीं पर 11 बजे तक बैठी हुई थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये वानिया भी बैठी थी, वानिया को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट उसे नींद आ रही थी और उसे घर भी नहीं जाना था, उसे फंक्शन भी देखना था। तो फाइनली हम लोग रात तक वहाँ पर बैठे रहे। सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद फिर गणेश जी की आरती हुई 11 बजे, फिर हम लोग आरती के बाद प्रसाद लेकर उसके बाद अपने घर गए। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और सच में ये बैंड को छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मैंने गाए थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर, आप लोग भी सुन सकते हैं।
यहाँ पर वान्या भी एंजॉय कर रही थी, बट उसे सोना भी था। मैं उसे बोल रही थी यार घर चल लो, उसे घर भी नहीं आना था। तो हम लोग सब भी वहाँ पर बैठकर प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत सारे लोग जा चुके थे। तो ऐसा था हमारा आज का इवनिंग, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।